इसके लिए जो शांतिपूर्ण तरीके से जो पिछले दिनों किसान आंदोलन चला दिल्ली में, बहुत है जो वादे किए थे हमारी 11 मांगों के ऊपर, तो उसमें जो मांग अधूरी पड़ी है, जैसे MSP का है, स्वामीनाथन की रिपोर्ट का है, बिजली संशोधन बिल का है, मनरेगा की स्कीम को कृषि के साथ जोड़ना है, तो इस तरह की जो ये मांगे हैं मुकदमे दर्ज हैं वो भी लंबित पड़े हैं, तो उनके लिए शांतिपूर्ण तरीके से खाप पंचायतें भी और हम भी किसान जितने भी हैं सारे हम उनके साथ हैं और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करें। तो आप भी आप शामिल आंदोलन नहीं, में? शामिल तो हमें खेत क्यार में भी काम करना पड़ता है, जैसे आज खेत में आ रहे हैं, अभी काम है, रात शाम को चले जाएंगे, दूसरे रात ना हमें सभी जगह जाते हैं और दिन में अपना काम 2-4 घंटे अपना काम भी करते हैं। तो समर्थन किया आपने? हाँ बिल्कुल समर्थन है किसान आंदोलन का, किसानों का जो शांतिपूर्ण तरीके से बैठ की मांग केंद्र सरकार ने मांगनी चाहिए, और केंद्र और ये तो किसानों की तो आज तक की जो पिछली सरकारें हैं वो भी जिम्मेवार हैं किसानों के लिए, अभी तक किसी ने कुछ नहीं किया। किसानों की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि केंद्र सरकार ने किसानों के कर्जे माफ करने चाहिए, गेहूं पर जीरी पर लागत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा खर्चा आता है, कोई बचत नहीं है, क्योंकि हम तो ये भी कहते हैं प्राकृतिक खेती मोटी खेती है, उसमें थोड़ी थोड़ी कुछ लाभ मिल सके, उसके और ज्यादा बढ़ाओ तो गेहूं मजदूरी में तो बचता ही कुछ नहीं, इतना खर्चा ज्यादा है। तो खेतों से जुड़ी क्या समस्या आपकी? खेतों से जुड़ी समस्या हमारा बिजली का सुव्यवस्था है, कोई के कह रहे बिजली के बिल ये नहीं उग रहे, ये भी फ्री होने चाहिए बिजली के हैं, और भाई के कारण खार बीज की दुआई है इतनी महंगी हो गई है, भाई जो कृषि के ये जो यंत्र है जैसे ट्रैक्टर है मशीन है इतनी ज्यादा कीमत बढ़ चुकी है इनकी कई के गुना, और किसान की गेहूं की उसके के कारण जो खरीद जो इस फसलों की है वो MSP मिल नहीं रही, MSP से घाट कानून बनना चाहिए, बाकी MSP से घाट कोई भी फसल नहीं बिके, सारी केंद्र सरकार सब सभी सभी फसलों पर MSP दे। तो कितनी एकड़ जमीन आपके जी? 10 किले जमीन है हमारे पास। तो लागत की बात करें, लागत की बात तो लागत का खर्चा है और हमारा खर्चा है को निगरता के कार बचते को नहीं, उसमें कम से कम हमारा जैसे ये जो दिहाड़ी करा है इसको जो खेत में ये मनरेगा ही डाल स्कीम है, इसको हमने सामने पैसे नहीं मिलने चाहिए, खेती के साथ जुड़ना चाहिए, जैसे हमें सामने अगर कोई काम का धंधे करते हैं, हमें 10 परिवार आदमी में 6-7 परिवार में आदमी, हाँ हम सारे काम करा तुम्हारा बचत तो कोई नहीं के कारण, गेहूं मजदूरी में तो बहुत ज्यादा खर्चा है। अच्छा, तो कितनी है ये 1 एकड़ में? कितना ये 1 एकड़ में लागत कोई लागते ज्यादा ज्यादा के कारण 30-30 35-35 हजार के खार दुआई पड़ जाती है, और जीरी बकैरी 25 हजार की भी 30 हजार की भी, तो घाटा देना पड़ गया, मुनाफा कितना हो रहा है? मुनाफा तो होता ही नहीं जी, मुनाफा तो बराबर हो गया और देना पड़ा हमने, अड़ती के पैसे नहीं पूग रहे, मेहनत भी आएगी, मेहनत भी आएगी, अड़ती के पैसे नहीं पूग रहे, फिर अड़ती ब्याज ला ले, फिर वो इतने पैसे तो किसान जब तो घाटा में दिन भर आत्महत्या कर रहा है, मरण लाग रहा है, तो केंद्र सरकार को चाहिए सभी सरकारों को भाई किसानों के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि चुनाव के दौरान तो सभी किसान याद आते हैं लेकिन चुनाव के बाद किसी पार्टी ने किसान याद नहीं आते। हाँ केंद्र सरकार ने MSP की गारंटी दे देनी चाहिए, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू कर देना चाहिए और किसानों के कर्जे माफ कर देने चाहिए। तो और भी कोई मांग है आपकी? हमारी 3-4 मांग है जो रह रही है, यही ये मांग है हमारी सारी, इनको पूरी करो। ठीक किसान ठीक आंदोलन कर रहे हैं अपने दिल्ली कुछ ठीक कर रहे हैं अपनी मांग मंगाने के लिए, मांग पीछे सरकार ने समझौता करके किसान झूठा आश्वासन दे के उठा दिए, वो पूरी नहीं करी दिल्ली से किसान उठाए गए, इसलिए दोबारा किसान ठीक कर रहे हैं अपने मांग मांग रही। हाँ तो जायज है, जायज मांगे। हाँ तो आपने आपने समर्थन नहीं किया, आपने कह दिया दिल्ली? मैं किसानों के साथ में हूँ, समर्थन में हूँ। तो आपने शामिल हुए? आवांगे शामिल। क्या? हाँ तो आपको क्या समस्या खेतों को लेकर? खेत में लाइट है जो बिजली की, वह सीजन भी आ हुआ जिस टाइम धान की फसल पाऊं उस टाइम कम कर दे हैं लाइट। हाँ लाइट नहीं आती, अप डाउन ज्यादा दे हैं, फिर कह दे हैं बार लोड हो गया पावर ग्रिड में, लोड पड़ गया अप डाउन रेंज आवा है तो बिगड़ सगड़ हो जाए कि मैं ट्रांसफार्मर में होगी कमी या होगी लाइन का तार टूट गया और टाइम पर बिजली नहीं आती। हाँ उसको मरम्मत रिपेयरिंग नहीं की जाती टाइम पर, तो बिल बाल भी को बिल क्लियर सारे, कोई दिक्कत नहीं, बिल सारे भरा, महकमा पूरी सुनाई नहीं करता टाइम पर। तो लागत की बात करें, फायदा की बात करें, फसल पर लागत ज्यादा आवा बचत कम से, मजदूरी खर्च जो आवा लागत इस पर, फर्टिलाइजर है, दवाई है, बाई है, सिंचाई है, बीज है, मजदूरी है, ज्यादा महंगाई होगी दवाई स्प्रे। हाँ हाँ सब सौदे महंगे हैं, लागत ज्यादा हो उसके ऊपर फिर किसान पर बहुत पड़ता आ रहा है लगातार। तो MSP पर क्या कहना? MSP पर गारंटीड हो जाएगी, लागू हो जाएगी तो उस पर
जितनी लागत है उससे ऊपर उठ के हमने मुआवजा मिलेगा, फसल मिलेगी, भाव मिलेगा, तो फायदा होगा। तो एमएसपी गारंटी लागू, किस्मत नु ला लो एमएसपी पे, हम किसान भाई सारे है, चौथाई तो भाग तो हर एक घर खाने ने रह जाए, सारा बेच दे ना दे, बेच नहीं सकते सारा घर में ही कुछ खान पीन ने आगे बीज ने, तो चौथाई तो भाग कट के बाकी भाग एमएसपी दे दो। तो एमएसपी की गारंटी लागू नहीं चाहिए? हाँ लागू होनी चाहिए। कभी जो किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं तो आप क्या सोच रहे हैं? ये दिल्ली कूच को खुशी में तो किसान कर नहीं रहा, बहुत दुखी है कारपोरेट घरानों से। इनका जो हम दुआई खरीदते बाजार से उस पर रेट 800 लिखा होता है और मिल रही है हमारे को 200 में, 200 में भी कुछ बचा रहा है। ये तो मतलब इनके तो रेट अनाप शनाप है, कुछ दो कुछ दो। ट्रैक्टर 2 लाख रुपया में तैयार होता है, दे रहे हैं हमारे को 10 लाख का। तो मतलब इनका तो हमारा कोई फिक्स नहीं है, हम बाजार में लेकर जाओ एमएसपी ते भी नीचे बिक रहा है। तो हमारे शामिल है, हाँ मैं जनता सरकार मोर्चा से हूँ और पूरा तन मन धन से इसके किसान यूनियन के साथ था। मैं बॉर्डर पे भी गए हैं, बॉर्डर पे भी हमारा गला हथा पाई हुई है और एक साथी हमारा गिरफ्तार है, 307 धारा लायर के उस पर राजद्रोह का केस लगा दिया, उसकी गाड़ी तोड़ दी। अक्षय नरवाल जनता सरकार मोर्चा साथी था। समस्या क्या क्या आ रही है खेतों में? तो सारी समस्या है, खाद की, बीज की, दुआई की, ये टाइम पे कोई चीज नहीं मिल रही, मिले हैं नाप सुना मिले, मैं खाद ले हुआ गला साथ में दुआई डाल रहे हैं, जिससे हमारी बचत दिन बर घटती जा रही है और महंगाई साथ में बढ़ती जा रही है, जिससे किसान दुखी होकर आज रोड के ऊपर है। एमएसपी लागू होनी चाहिए, 100% लागू होनी चाहिए।